ये आपको पार्क मिल जाता है सेक्टर 17 इसी पॉकेट के अंदर। काफ़ी बड़ा ये DDA का पार्क आपको इसी पॉकेट के सामने मिल जाता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही है 2BHK प्रॉपर्टी द्वारका में, हम आपके लिए आई लेके आए हैं 2BHK DDA में 2BHK फ्लैट विद लिफ्ट विद कार पार्किंग। लोकेशन की अगर बात करें तो सेक्टर 17 द्वारका की ये लोकेशन मिल जाती है, बड़ी ही प्राइम लोकेशन आपको मिलती है और अपने आप में ये पॉकेट जो है बड़ी प्राइम पॉकेट इसमें आपको मिल जाती है। इस पॉकेट के अंदर ही आपको DDA पार्क मिल जाता है। अगर पास में हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, मार्केट यहाँ पास ही में आपको मिल जाती है। सेक्टर 17 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको बराबर में ही मिल जाता है वॉकिंग डिस्टेंस में ही। स्कूल और कॉलेजेस की अगर बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ में मिल जाती है। इससे पहले मैं प्रॉपर्टी का व्यू स्टार्ट करूं, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। जैसा कि आपको प्रॉपर्टी का बताया गया, नीचे आपको पार्किंग मिलती है इस प्रॉपर्टी के साथ और यहाँ आपको लिफ्ट का पोर्शन मिल जाता है। ये आ जाता है स्टेयरकेस, आप देख सकते हैं स्टेयर्स में बहुत सुंदर तरीके से लाइटिंग का काम किया गया है और ये आती है हमारी मेन एंट्री। जैसे ही हम प्रॉपर्टी में एंट्री करते हैं आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े दरवाजे ये आपको इस प्रॉपर्टी में मिलता है। वुडन का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इस दरवाजे की क्वालिटी आपको देखते ही पता लग रही है, दरवाजे में जो लॉक सेट यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लॉक सेट यूज़ किया गया है। एंटर करते ही ये आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की अगर हम साइज़ की बात करें तकरीबन 18x12 का आपको ये ड्राइंग रूम का साइज़ मिल जाता है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से फ्लोरिंग का काम किया गया है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है, ये आपको शैंडलियर साथ में मिल जाता है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं बहुत सुंदर वुडन LED पैनल, ये आपको लूअर्स के साथ ये आपको इस प्रॉपर्टी में मिल जाता है। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये LED पैनल आपको इसमें मिलता है। ऊपर आपको डेकोरेटिव वॉल मिलती है, आप स्टैचूज़ वगैरह रख सकते हैं और नीचे ये आपको बॉक्सेस मिलते हैं आपका स्टोरेज के लिए। ये ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा, 2BHK के अकॉर्डिंग इतना बड़ा ड्राइंग रूम का साइज़ प्रॉपर्टी में नहीं मिलता। इस प्रॉपर्टी के साथ आपको ये ड्राइंग रूम साथ में मिलता है काम किया हुआ। अब हम बात करते हैं अपने बेडरूम्स की, वॉशरूम की और किचन की। इस प्रॉपर्टी में आपको दो बेडरूम्स मिल जाते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के, दो आपको वॉशरूम मिलते हैं और एक आपको काफ़ी बड़ा किचन मिलता है। दोस्तों मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किचन मिलता है ड्यूअल सेल्फ के साथ। जी हाँ दोस्तों, किचन में दोनों तरफ आपको स्लैब मिलती है, ऊपर आपको ये वुडन वर्क मिलता है, आप देख सकते हैं ऑटो शॉकर्स इसमें आपको लगे हुए मिलते हैं। नीचे आप देखिए, नीचे आपको ये कटलरी बॉक्सेस मिलते हैं, इसमें आप अपना सामान अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपको सारी यहाँ पे स्टोरेज का सामान मिलता है नीचे बॉक्सेस के साथ, और इस तरफ भी आपको ये स्टोरेज का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ये आ जाता है आपको वॉशिंग एरिया, आप मेरे सामने देख सकते हैं ये आपको सिंक मिल जाता है, जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी की सारी आपको जगवार की मिलती हैं। और दोस्तों ये आ जाता है आपका चिमनी का स्पेस, यहाँ पे चिमनी आपको लगा के दी जाएगी। सबसे मेन जो पॉइंट इस किचन का आपको मिलने वाला है, आपको सामने वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ा एयर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है, और दोनों तरफ ही आपको स्लैब मिल जाती है। स्लैब का जो पत्थर है ये कंपोजिट वाइट कलर का आपको ये इसमें पत्थर आपको लगा के दिया जाता है, ग्रे कलर की इसमें आपको टाइल्स मिलती है। बड़ा सुंदर कंट्रास्ट आपको इस किचन के अंदर देखने को मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके मास्टर बेडरूम में। यह आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, ये साथ में ही हमें एक वॉशरूम मिलता है कॉमन वॉशरूम, आप देख सकते हैं। कॉमन वॉशरूम की अगर हम साइज़ की बात करें दोस्तों, काफ़ी बड़ा इस वॉशरूम का साइज़ आपको मिलता है। वुडन डोर्स बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं आपको सीट मिलती है यहाँ पे, यह आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिलती है, ये आपको शाफ्ट इस वॉशरूम के अंदर मिल जाती है। और ये आपको यहाँ पर जगुआर का बेसिन मिलता है, ये आपको यहाँ पे लगा के दिया जाता है। जो भी फिटिंग्स हैं दोस्तों आप देख सकते हैं सारी की सारी फिटिंग्स बहुत अच्छी क्वालिटी की जगवर की इसमें यूज़ करी गई है। और नीचे आपको ये स्टोरेज के लिए एक आपको ये बॉक्स मिल जाता है इसमें। अगर हम टाइल्स की बात करें तो टॉप टू टॉप
आपको ग्रे कलर का बड़ा सुंदर टाइल्स का काम इसमें करके मिलता है। शावर आप देख सकते हैं, ऊपर रूफ पर भी आपको फॉल सीलिंग करके मिलती है और शावर आपको ऊपर लगा के मिलता है इस वॉशरूम के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते ही शानदार फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती है, नीचे फ्लोरिंग का काम। साइज़ की आप बात करें तो तकरीबन 12 बाई 11 का ये बेडरूम का साइज़ आपको मिल जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आपको वुडन कैबिनेट ये बड़ा सुंदर तरीके से इस प्रॉपर्टी में बना के मिलता है साथ में। और इसमें आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग भी मिल जाती है मेरे राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं स्टोरेज के लिए आपको ये काफ़ी बड़ा इसमें वुडन अलमीरा आपको मिलता है, ये काफ़ी स्टोरेज आपका इसमें आ सकता है। इसी के साथ साथ आपको वेंटिलेशन के लिए एक काफ़ी बड़ा विंडो यहाँ मिल जाता है। सनलाइट और एयर वेंटिलेशन आपको भरपूर इस प्रॉपर्टी में मिलती है। एक आपको ये इसमें भी एलईडी पैनल आपको इस बेडरूम में भी आपको वुडन एलईडी पैनल ये आपको यहाँ पे मिलता है आप देख सकते हैं। नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है और ये आ जाता है आपका अटैच बालकनी। इस बालकनी का जो एंट्रेंस है सामने आपको बेडरूम से भी अटैच मिलती है और ये किचन से भी आपको ये बालकनी का वेंटिलेशन मिल जाता है। काफ़ी बड़ी विंडो आपको यहाँ मिलती है आप देख सकते हैं। इस बालकनी में भी टॉप टू टॉप टाइल्स का बड़ा सुंदर काम किया गया है और सीलिंग भी आप देख सकते हैं लूवर्स के साथ लाइटिंग का काम इस बालकनी में आपको सामने मिल जाता है। अगर हम ग्रिल की बात करें तो ग्रिल एसएस की आपको विद टफन ग्लास की फिटिंग के साथ आपको मिलती है विद ग्रेनाइट फिनिशिंग इसमें आपको मिल जाती है बालकनी में। और सामने आपको काफ़ी चौड़ा रोड मिलता है इस प्रॉपर्टी के सामने आपको 30 फीट का रोड आपको ये मिल जाता है इस प्रॉपर्टी के साथ। अब मैं आपको दोस्तों लेके चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। जैसे ही हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं काफ़ी बड़ा वुडन डोर आप देख सकते हैं, 8-8 फीट के ये डोर्स आपको इस प्रॉपर्टी में मिलते हैं। दोस्तों इस प्रॉपर्टी में भी काफ़ी बड़ी वुडन अलमीरा ये आपको मिल जाती है आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर कलर कंट्रास्ट मल्टी कलर के साथ इसमें आपको ये इसमें मिलता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो पूरे घर का स्टोरेज आपका इस अलमीरा के अंदर आ सकता है। इसके साथ ही रूफ पे आप देख सकते हैं सीलिंग का काम बहुत सुंदर तरीके से करके मिलता है, नीचे आपको फ्लोरिंग का काम मिल जाता है। इस बेडरूम का साइज़ भी ऑलमोस्ट 11 बाई 12 का ये बेडरूम का साइज़ आपको मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है अटैच वॉशरूम, मैं आपको लेके चलता हूँ अटैच वॉशरूम में। तो ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी सफिशिएंट, काफ़ी बड़ा साइज़ इसमें आपको मिल जाता है। टॉप टू टॉप आपको टाइल्स का काम मिलता है, क्रीम एंड ब्राउन कलर का कंट्रास्ट इसमें फ्लोरिंग का दिया गया है, बड़ा सुंदर कलर का टाइल्स आपको लगा के मिलता है इसमें। ये आ जाता है मेरे सामने बेसिन। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी प्रॉपर्टी में आपको सारी की सारी फिटिंग्स जगवार की मिलती है। ये आपका बाथिंग एरिया आ जाता है, ऊपर आपको शावर मिल जाता है इसमें, शावर के साथ ही एक आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है और ये आपका सीट का पोर्शन आ जाता है। ये वॉशरूम इस रूम के साथ अटैच आपको मिलता है आपके मास्टर बेडरूम में। जैसा कि आपको दिखाया गया 2BHK प्रॉपर्टी सेक्टर 17 द्वारका में ये आपको मिलती है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 13 आपको मिल जाता है, DDA का पार्क आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको पास में मिल जाता है, स्कूल कॉलेज आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाते हैं और बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको इस पॉकेट के अंदर मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी की अदर डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना YouTube चैनल RP Homes सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल RP Homes में। नमस्कार दोस्तों।